लेट्स डू ऑल्टरनेटिंग करेंट थ्रू एन इंडक्टर। लेट्स सी। अच्छा मैंने पहले बना दिया, कोई बात नहीं, इसको रोक के रखो। इंडक्टर बनाओ पहले, सर्किट डायग्राम। ओके, पहली चीज होती है सर्किट डायग्राम। ऑल्टरनेटिंग करंट लगा दिया आपने, इसमें भेज दिया। अब मैंने आपको पहले ही बोला है कि भेजोगे तो भाई ये अपोज करेगा, लेकिन ध्यान रखना पहले तो अपोज करेगा ना, जब बाद में ऑल्टरनेटिंग करंट घटेगा तो ये एड करेगा, हेल्प करेगा, पलट देगा अपना इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन। तो पहली चौथाई साइकिल में तो ये अपोज करता है, फिर दूसरी चौथाई साइकिल में ये एड करेगा, ठीक है, फिर से रोकेगा, फिर से एड करेगा, एंड सो ऑन। तो इतनी टेंशन कौन ले। इसीलिए मैंने आपको रटवाया था कि इसको आप एक बैटरी से, स्टार्टिंग की बैटरी से आप इसे रिप्लेस करें, जो स्टार्टिंग में फर्स्ट फोर्थ क्वार्ट में टाइम में जो नेचर होगा इंड्यूस करंट का, उसके अकॉर्डिंग रिप्लेस करें। नेचर होगा अपोजिंग, उसके अकॉर्डिंग कर लें, बाकी सब कुछ करंट देख लेगा। तो हमने आपको ये भी बताया था, ये जी नहीं लिखा है, साइनोसॉइडल का कर्व निशान है। ओके नाउ, मैंने आपको बताया था कि हमेशा ईएमएफ को ऐड करें इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइड। तो ऐड करते हैं, तो अप्लाइंग किरचॉफ रूल, सेकंड वाला ईएमएफ वाला, दैट इज हम जो दे रहे हैं उसको चले लिख दें ई प्लस कैपिटल ई, क्योंकि ये वाला हमने एप्सिलॉन से दिखाया था। तो एक तरफ सारी बैटरी कर देते हैं और उधर क्या करते हैं, करंट इनटू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तो जीरो है, हम तो कॉपर की रेजिस्टेंस मानते नहीं, है ना, तो रेजिस्टेंस जीरो। तो क्या आया, ई माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू जीरो। ये क्या था, ई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। अगली लाइन में लिखते हैं, ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी इज इक्वल्स टू डी आई। अब हम तो आई से मतलब है ना, ई तो मिल गया हमको, ई तो था ई नॉट साइन ओमेगा टी, यही हमारी फर्स्ट इक्वेशन भी थी, ठीक है। अब बात कर, इसको इंटीग्रेट करते हैं, ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी। अब करंट निकाल लो भाई, पूरा का पूरा कैपिटल आई लिख लो, छोटा आई लिखने की हैबिट हो गई फालतू में। ई नॉट बाई एल इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी, ठीक है। और अक्सर हम इसे इंडेफिनेट इंटीग्रल ही सॉल्व करते हैं, बाई एल एंड दिस बिकम्स माइनस का कॉस ओमेगा टी एंड दैट इज द इंटीग्रेशन सॉल्व। अब देखो कैसे सॉल्व करना है, इसको ध्यान से देखना। और नीचे ओमेगा नहीं लगाया मैंने, दिस इज ई नॉट बाई ओमेगा एल माइनस का कॉस ओमेगा टी। हम अगर इसको साइन लिखना चाहें तो आपको पता होगा, माइनस बाहर ले लो अभी, हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ओमेगा टी, हमने बचपन में खूब लिखा है ये, है ना। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, माइनस भूल जाओ, माइनस बाहर ले लिया, इसकी टेंशन मत लो अभी, ठीक है। माइनस तो बाहर निकाल लिया हमने अभी इस ब्रैकेट से। हाउ डू यू रिप्लेस, इसे लिख देता हूँ, कॉस थीटा को बचपन में लिखा होगा ना, साइन 90 माइनस थीटा, वही किया बस मैंने। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं बेटा, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें देखना है कि अगर जब आखिरी के जो आंसर्स होंगे अगर साइन साइन में ही छूट जाएंगे ना, तो देखना आसान हो जाएगा कि कौन सा लैग कर रहा है, कौन सा लीड कर रहा है। अगर एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम होंगे ये और ये सब साइन में होगा, तो सिर्फ हमें अंदर एंगल में देखना पड़ेगा, आगे कौन पीछे कौन, कितना आगे कितना पीछे। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि ये भी साइन में आ जाए, ऐसा कोई शौक नहीं है मुझे, कॉस में भी छोड़ सकता हूँ, कॉस में छोड़ के भी बता सकता हूँ मैं कि कौन आगे कौन पीछे है, लेकिन आपकी गणित इतना स्ट्रांग है नहीं कि आप वो इतना जल्दी जज्ब कर पाएंगे। हालांकि एक जगह बता भी दूंगा मैं, अगर कॉस में ही छोड़ना है तो कॉस में छोड़ दो, और कॉस में छोड़ के आप बता भी सकते हो कौन आगे कौन पीछे, लेकिन आसान रहता है अगर साइन में कर लिया जाए कन्वर्ट। तो साइन में कन्वर्ट करने का कारण ही होता है, बस दिख जाए सीधे एंगल, देखो कौन आगे कौन पीछे, इसकी साइन में कन्वर्ट कराए मैंने। आगे बढ़ते हैं, माइनस का ई नॉट बाय ओमेगा एल साइन पाई बाय टू माइनस ओमेगा टी,
वी हैव माइनस का, सॉरी माइनस हटा दो, ई नॉट बाय ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। तो मैंने क्या किया, माइनस साइन अंदर ले लिया, और हम जानते हैं कि साइन माइनस साइन थीटा है साइन ऑफ माइनस थीटा, है ना। ऐसा होता है साइन में, ऐसा होता है कि माइनस साइन बाहर आ जाता है, ठीक है, कॉस में नहीं होता ऐसा। एनी वेज, नाउ यू सी दैट दिस हैज नो यूनिट। हमने 11th क्लास में सीखा है कि इसकी कोई यूनिट नहीं होती, साइन थीटा फंक्शन की कोई यूनिट नहीं होती। दे आर डायमेंशनलेस यूनिटलेस क्वांटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बिकॉज दे आर अ रेशियो ऑफ टू लेंथ्स, है ना, ऐसे होता है। सो सारा का सारा रोल जो प्ले करना पड़ेगा हमारे बेचारे आगे वाले क्वेश्चन को करना पड़ेगा, ताकि इस क्वांटिटी को एम्पियर बोला जा सके। और हम जानते हैं कि ऊपर की क्वांटिटी वोल्टेज को दिखाती है, तो नीचे को रेजिस्टेंस होना पड़ेगा, वो भी ओम्स में। तो ये क्या है, ओमिक रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर कितनी है, ओमेगा एल के बराबर, ठीक है। और हम देख सकते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस तो सिर्फ आर ही था और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता था, पर इंडक्टर की रेजिस्टेंस जो होती है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होती है। ओके, और इसको हम दिखाते हैं एक्स सफिक्स एल से, और इसे हम बोलते हैं इन रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, वैसे रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर बोलते हैं। और हम देख सकते हैं कि इसका जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के साथ। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि इनका ग्राफ बना दो, तो हम ग्राफ बना देते हैं, ऐसे बना दिया ग्राफ, ठीक है। और ऑब्वियसली इनका जो ये स्लोप होता है टैन थीटा, वो इंडक्टेंस को दिखाता है। ये तो कहानी हो गई ना। एक इंपॉर्टेंट बात भी हम जान लें बिफोर वी गो टू द फेजर डायग्राम, बिहेवियर ऑफ इंडक्टर इन केस ऑफ हाई एंड लो फ्रीक्वेंसीज। अब देख ही लिया है कि फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, तो ये बहुत ज़रूरी है। जैसे हाई फ्रीक्वेंसी की बात करें अगर, तो ये इंडक्टर है, दिस विल बिहेव लाइक एन ओपन सर्किट, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होने की वजह से रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। वेरी हाई फ्री, मैं हाई नहीं, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ। इट विल बिहेव लाइक एन ओपन सर्किट, नॉट पास एनी करेंट। और दूसरा, वेरी लो फ्रीक्वेंसी में इंडक्टर जो है इट विल बिहेव लाइक एन शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट मतलब विच अलाउज ऑल द करेंट, ठीक है। नो ये एरो था, सॉरी कंफ्यूज हो रही होगी, ये एरो है यहाँ से यहाँ पहुँचे, ठीक है, मैंने एरो नहीं बनाया, ये बना दिया कि अगर आपका वेरी लो फ्रिक्वेंसी इट विल बिहेव लाइक अ शॉर्ट सर्किट। इसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, क्लोज सर्किट भी बोल सकते हैं। नो लेट सी द इसका हम बनाएंगे फेजर डायग्राम, और आप देख सकते हैं कि मैं वो अगले डायग्राम में ही दिखाऊंगा। खैर, तो हमने जब एनालिसिस किया, तो हमने पहला स्टेटमेंट हमने स्टार्ट किया था ओमेगा टी से, ई नॉट साइन ओमेगा टी, बट इन दी एंड आई एंड अप हैविंग साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। तो यानी कि हम दोनों को नोटिस करें, अगर अगर हम ईएमएफ का फेज फेज ऑफ ईएमएफ कितना है, फेज ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ओमेगा टी है, और फेज ऑफ करंट कितना, फेज ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट है ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। अब देख सकते हैं कि पाई बाय टू से पीछे है, तो एक कंक्लूजन लिख लें, करंट लैग्स वोल्टेज, या ऑल्टरनेटिंग करंट लैग्स ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज बाय पाई बाय टू। तो फेज डिफरेंस कैसे, फेज डायग्राम कैसे बनेगा, हम जानते हैं कुछ ना कुछ तो इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस किसी भी वक्त फेज है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का। एरो पे ई नॉट लिख सकते हैं, लेंथ ई नॉट है, पर टिप पर ई लिख रहे हैं, क्योंकि वो आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू देती है ई की एनीवेज। और हमारा जो करंट है वो 90 डिग्री पीछे बनाया जा रहा है, ये लीजिए, ये 90 डिग्री हमने पीछे बना दिया। ओके, यहाँ आई लिख, तो यहाँ पे जो एंगल है क्या लिखोगे, ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, है ना, पर माइनस साइन बाहर लगाना नहीं भूलना, क्योंकि आपका जो एरो है क्लॉकवाइज है। ओके, तो ये हमारा डायग्राम बन गया। आपको नहीं दिख रहा हो, आप खुद भी देख सकते हैं कि ये एंगल 90 है,
ये ओमेगा टी है, तो ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस ओमेगा टी होगा ना, वो ऑटोमेटिकली जब माइनस लगाओगे तो मैथमेटिकली सही आ जाएगा। कुछ लोग का पूछना चाह रहे हो, अगर भी दिमाग में हो सर आपने माइनस साइन क्यों लगाया, वो छोड़ो, चलो मैथमेटिक्स से सोचो, ये ओमेगा टी है तो ये एंगल क्या हुआ, 90 माइनस ओमेगा टी बोलोगे ना कि ओमेगा टी माइनस 90 बोल दोगे, 90 माइनस ओमेगा टी, तो कहीं डायग्राम में गलती ना हो इसलिए माइनस साइन बाहर लगाया जाता है, और इतना सोचते नहीं है। जब चौथी कक्षा में सिखाते हैं कि एंगल बेटा क्लॉकवाइज नेगेटिव लेते हैं तो फिर आपको ये याद रहना चाहिए। एनीवेज छोटी क्लास में, अब कुछ लोग चौंक रहे होंगे छोटी क्लास में कब सिखाया सिखाया जाता है, जब पहली बार आप एंगल मार्क करते हो ना तो आप देखना बहुत छोटी क्लास की बुक्स में क्लियरली क्लॉकवाइज एरो और एंटी क्लॉकवाइज एरो के फॉर्म में एंगल दिखाए जाते हैं, ठीक है, तो वहीं पता चल जाता है कि कि एंटी क्लॉकवाइज लिखते हैं हमेशा एंगल को, बिना रीजन के पता चल जाता है छोटी क्लासेस में बात। तो खैर एनीवेज वी हैव गॉट द फेजर डायग्राम, लेट्स मेक द साइनसोइडल डायग्राम आल्सो। तो मान लीजिए ये हमारा क्या है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का डायग्राम बना दिया जिसकी मैक पीक वैल्यू ई नॉट है, और अब देखना मैं क्या बनाने वाला हूँ, अब मैं बनाने वाला हूँ करंट का, और करंट क्या है हमारा पाई बाय टू पीछे, तो ऐसे बना सकते हैं जहाँ पे मिनिमम वैल्यू होगी करंट इसकी, वहाँ पे करंट की होनी चाहिए मैक्सिमम, और वाइस वर्सा, तो हम पॉइंट्स मार्क कर लेंगे तो गलती नहीं होगी हमसे ना, यहाँ पे रोकना है। आइए ये लो भाई, ठीक है, और अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आप नोटिस करिए कि जो ग्राफ आगे दिख रहा है वो एक्चुअली में पीछे था, है ना, क्या कर रहा था, लैग कर रहा था, तो ना दिमाग में बात रखें, साइनसोइडल डायग्राम अगर बनाने हैं, मैंने क्या किया है, मैंने करंट को भी सेम साइज का ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा कम दिखा दिया मैंने, आई नोट। देखिए ध्यान रखिएगा, ये मैं आपके लिए एक याद करने के लिए लिख रहा हूँ, बल्ब लगा रहा हूँ यहाँ पे, आपको दिमाग में रखना है एक बार कि द कर्व विच लुक्स टू बी अहेड इन डायग्राम, लुक्स टू बी अहेड इन ग्राफ इज एक्चुअली लैगिंग, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू द करंट थ्रू कैपेसिटर।